हेलो गाइस, मैं प्रांशु गौतम और आज हम सीखने वाले तेरी यादों में सॉन्ग की लीड जो है द किलर मूवी से। तो आइए देखते हैं। तो पहला पार्ट इसका ऐसे है। अब मैं इसको स्लो प्ले करके बता देता हूँ पार्ट बाय पार्ट, और इसके टैब्स आपको अपनी स्क्रीन पे दिख जाएंगे। तो पहला पार्ट इसका होगा ऐसे, स्लाइड करेंगे यहाँ पर, फिर इसके बाद ये हैमर ऑन करेंगे यहाँ पर, अब इसके बाद फिर हमारे गाने का इंट्रो आता है जो ऐसे है। तो उस इंट्रो में क्या है, एक ही पार्ट है, एक ही लाइन है जो 4 टाइम्स रिपीट होती है, जो ऐसे बजती है। बी स्ट्रिंग से शुरू होती है, यहाँ पर ऑल्टरनेट पिकिंग करनी है 6th फ्रेट पे। इसके बाद हैमर ऑन पुल ऑफ, ठीक है ना। एक बार हो गया, फिर दोबारा यही रिपीट होगी। थर्ड टाइम भी यही रिपीट होगी, बस एक चेंज आ जाएगा इसमें कि 6th फ्रेट ऐड हो जाएगा, वो मैं दिखाता हूँ कब होएगा। यहाँ पर ऑल्टरनेट पिकिंग करेंगे, फिर उसके बाद 6th फ्रेट दोबारा बजाएंगे। ठीक है ना, फिर इसके बाद वही दोबारा लाइन रिपीट होगी 4 टाइम। अब इसके बाद फिर ये वाला पार्ट आता है, अब इसको भी पार्ट बाय पार्ट देखते हैं। तो पहले ई स्ट्रिंग पे शुरू होता है, स्लाइड करेंगे यहाँ से, यहाँ पे स्लाइड, फिर हैमर ऑन, हैमर ऑन पुल ऑफ, तो फिर इतना हो जाने के बाद हमारे वोकल शुरू होते हैं जो कि ऐसे हैं। तो इसको देखते हैं, अब इसको हम पहले पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो पहला पार्ट जो हमारा ऐसा है, डी स्ट्रिंग से शुरू होगा, फिर जी स्ट्रिंग पे जाएगा, हैमर ऑन पुल ऑफ,
तो कैसा था, दोबारा बजा के दिखा देता हूँ। ये हो गया फर्स्ट पार्ट, फिर सेकंड में। तो ये भी सेम ही था फर्स्ट जैसा, बस हम ये वाला थर्ड थर्ड फ्रेट ऐड कर देते हैं। तो कैसे था, ये हो गया सेकंड पार्ट, फिर थर्ड पार्ट में वही सेम जैसे हमने फर्स्ट में प्ले करा था। ये हो गया थर्ड पार्ट, फिर फोर्थ पार्ट। अब फिर उसके बाद ये वाली लाइन आती है, तो ये देखते हैं कैसे बजी है। जी स्ट्रिंग पे शुरू होती है, फिर उसके बाद ये वाला पार्ट आता है। ये भी लगभग उसके जैसा सेम ही है जैसा हमने पहले करा था, बस इसमें एक लास्ट में चेंज आ जाता है। तो इसको देखते हो शुरू से, तो पहला सेकेंड टाइम भी इसके जैसा सेम ही प्ले होगा। थर्ड टाइम में हमें थर्ड फ्रेट ऐड कर देंगे। अभी फोर्थ टाइम में देखते हैं, यहाँ पर तीन बार प्ले करेंगे इस नोट को, स्लाइड हैमर ऑन पुल ऑफ। स्लाइड करेंगे, हैमर ऑन पुल ऑफ। अब फिर हमारा एक इंस्ट्रूमेंटल पार्ट आता है सॉन्ग के बीच में, जो कि ऐसा है। तो उसको भी देखते हैं पार्ट बाय पार्ट। तो पहले ही होगा, इतना हो गया। फिर इसके बाद ये, दोबारा प्ले करके बताता हूँ।
फिर इसके बाद ये क्या था, दोबारा देखते हैं। अब फिर इसके बाद ये वाला पार्ट आता है, तो इसमें क्या है, पहले पुल ऑफ करेंगे 7 से 5th पर, फिर दोबारा यही सेम रिपीट होएगा, फिर थर्ड टाइम में फोर्थ पार्ट में वही सेम, तो अब उसके बाद ये वाला पार्ट आता है फिर। ये वाला देखते हैं कैसे बजाए, ए स्ट्रिंग पे शुरू होएगा, स्लाइड करेंगे, अब फिर इतना हो जाने के बाद फिर वही वाला पार्ट आता है जैसे हमने स्टार्टिंग में करा था, जो हम पहले ही कर चुके हैं। यही वाला। अब फिर इसके बाद एक सोलो आता है गिटार पे जो बजाए, जो कि ऐसे है, ये सोलो देखते हैं। ई स्ट्रिंग से शुरू होएगा, स्लाइड करेंगे, पहला पार्ट हो गया, फिर इसके बाद दोबारा दोबारा प्ले करके बता देता हूँ। इतना हो जाने के बाद फिर जी स्ट्रिंग से स्लाइड करेंगे, जी स्ट्रिंग पे स्लाइड करेंगे 6th फ्रेट से 11th फ्रेट तक, तो इसी के साथ हमारा सॉन्ग होता है ख़त्म। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि आपको नई वीडियो उसके नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाए।